आप देख रहे हैं यूएमवी न्यूज। चलिए फटाफट जानते हैं देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों को। वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में बताइए किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं। डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए डालते हैं एक नज़र आज की बड़ी खबरों पर। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश, पीएम मोदी ने की सीएम जगन मोहन रेड्डी से फोन पे बात। रूस में नहीं थम रहा कोरोना कहर, 24 घंटे में 37,156 मामले और 1,254 लोगों की मौत। भारत चीन के बीच जल्द होगी सैन्य स्तर के अगले दौर की बातचीत। पंजाब में आज 32 किसान संगठनों की बैठक, भविष्य की नीति पर होगा कोई बड़ा फैसला। टिकैत बोले 750 लोगों ने जान गंवाई, तब जाकर सरकार की नींद टूटी है। कृषि कानूनों के वापस होने पर शरद पवार बोले बिना बातचीत के लाया गया, किसानों को विश्वास में नहीं लिया। यूपी में पीएम मोदी ने बुंदेलखंड को दी सौगात, अर्जुन बांध योजना का किया उद्घाटन। पीएम मोदी 3 दिन के यूपी दौरे पर, महोबा के जनसभा को करेंगे संबोधित। नवाब मलिक का ट्वीट, मुंबई जा रहा हूँ, मेरे मूवमेंट ट्रैक करे सभी सरकारी एजेंसियां। कृषि कानूनों की वापसी पर बोले केजरीवाल, 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा ये दिन। अखिलेश यादव बोले बीजेपी को किसानों के हित में नहीं वोट से मतलब। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर एबी डिविलियर्स ने हर तरह के क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान। दिल्ली पुलिस ने 17 साल के नाबालिग को महिला की हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार। गोरखपुर में एम्स प्रदेश के 4 संसाधनों के स्वास्थ्य कर्मियों को कर रहा प्रशिक्षित। दिल्ली में कम हुआ प्रदूषण, औसत AQI 369 पर पहुंचा। उत्तराखंड में कोरोना, शुक्रवार को मिले 10 नए संक्रमित, बढ़कर 184 हुई सक्रिय मरीजों की संख्या। आज देश भर में किसान विजय रैली निकालेगी कांग्रेस, कैंडल मार्च का भी होगा आयोजन। तमिलनाडु में गिरा घर, 4 बच्चों समेत 9 लोगों की मौत। हरिद्वार में आस्था का सैलाब, करीब 14 लाख श्रद्धालुओं ने किया पूर्णिम स्नान, भीड़ के आगे ट्रैफिक प्लान ध्वस्त। यूपी कैबिनेट के फैसले, गोरखपुर को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का रास्ता साफ। बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी दस्तावेज से विदेश भेजने वाले गैंग का अहम सदस्य गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी की प्रतिनिधिमंडल को करतारपुर कॉरिडोर जाने की नहीं मिली परमिशन। मशहूर फुटबॉल लेखक और कमेंटेटर नोवी कपाड़िया का निधन। कुपवाड़ा में LOC पार करने की फिराक में थे 3 युवक, गिरफ्तार। योगी सरकार पीड़ितों को न्याय देने की बजाय उन पर ही आक्रमण करती है, प्रियंका गांधी बोली। बीजेपी नेता अनिल बांग गांगुली ने निर्देशक अपर्णा सेन को कानूनी नोटिस भेजा। प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद संघ हुई अहम बैठक। सोनिया गांधी ने डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का गठन किया, AK एंटनी बने चेयरमैन। मध्य प्रदेश में परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे कॉमेडियन वीरदास, लगाया बैन। भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, सभी ऑफिसर सुरक्षित। हरियाणा के बहादुरगढ़ में हुई INLD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से कई स्कूलों में कल की छुट्टी घोषित। हेमा मालिनी और प्रसून जोशी बने फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021। राजस्थान में 2 से 3 दिन में हो सकता है कैबिनेट विस्तार। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 372 अंक गिरा, निफ्टी 134 पॉइंट फिसला। खंडवा के आबकारी अधिकारी का आदेश, जिन्हें कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगी उन्हें ही मिलेगी शराब। नवाब मलिक के खिलाफ वानखेड़ी के पिता के मानहानि के केस पर 22 नवंबर को फैसला देगी बॉम्बे हाईकोर्ट।
मुंबई बैंक घोटाला, बीजेपी नेता प्रवीण दारेकर को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, ईओडब्ल्यू को कार्रवाई से रोका। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, राजधानी में प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी 35 से 40%। कोविड पीड़ितों को मुआवजा नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के सीएस और स्वास्थ्य सचिव को तलब किया। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, कोर्ट ने पूछा आप कहाँ है। फरीदाबाद फैक्ट्री में गैस सिलेंडर फटा, 5 मजदूर बुरी तरह घायल। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार मिला, विधेयक पारित। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर शुरू, 2 से 3 आतंकी फंसे। राम मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता, बीजेपी बताए इतना समय क्यों लग रहा है, अखिलेश बोले। मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाना नहीं आता, इसलिए युवाओं को भी मौका नहीं दे रहे, अखिलेश बोले। 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पर प्रतिबंध, सरकारी विभाग में 100% वर्क फ्रॉम होम। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, यूपी में बीजेपी का सफाया होना तय है। एमपी में कोरोना की सभी पाबंदियां हटाई गई, सीएम शिवराज ने किया ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग केस, ईडी ने सुपरटेक ग्रुप के कई ठिकानों पर छापे मारे। सीबीआई में 3 नए जॉइंट डायरेक्टर नियुक्त। यूपी के चित्रकूट पहुंची प्रियंका गांधी, शिव मंदिर में की पूजा, महिलाओं से करेंगी संवाद। लखीमपुर हिंसा, सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को किया नियुक्त। तो अभी के अपडेट में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो देखते रहिए UMB न्यूज़।